assalamu alaikum dear students today you are going to study about food product development strategy here i will uh, let you know what the food product strategy is uh, first of all i will tell you about the stra uh, just product development strategy what is uh, why there is need of product strategy because whenever a new product launches in the market

एस्पोज आप जो हैं वो एक जब ओट्स की बात करते हैं या आप कोई ऐसी एमरेंथ की बात करते हैं एक न्यू प्लांट है अगर आप उसकी कोई प्रोडक्ट लाते हैं सबसे पहले तो उस प्रोडक्ट का टेस्ट बर्ड्स हमारे आपके जो हैं वो कंज्यूमर्स जो हैं उनके टेस्ट बर्ड्स को वो कितना प्लेजेंट लगता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फूड प्रोडक्ट जो है इट्स ऑल अबाउट योर टेस्ट डिवेलपमेंट आई हैव सेवरल टाइम टोल्ड दैट द पीपल इन साउथ पंजाब डू नाट लाइक स्वीट करीज लाइक मीठा सालन पसंद नहीं करते पीपल ऑफ साउथ पंजाब एज कंपेयर टू पीपल इन अपर पंजाब वेयर दे कैन यूज शूगर हनी इन दियर सॉल्टिश प्रोडक्ट ऑल्सो द प्रोडक्ट स्ट्रैटी डिटर्म सो कंज्यूमर्स को टारगेट करना और ये देखना की कंज्यूमर्स जो है वो विल दे बी एबल टू कंज्यूम योर प्रोडक्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटी डिटर्म ऑल द स्टेप्रिल है सो द प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी डिटर्म ऑल द स्टेप विच अ ब्रांड विल हैव टू टेक टू मेक अ प्रोडक्ट सक्सेस इसमें जो है वो मार्केट एनालिसिस और बिजनेस प्लान राइटिंग जो मैं पिछले आपको लेक्चर में बताया वो सारा कुछ इसी स्ट्रैटेजी का पार्ट होता है ऑल्टरनेटिवली बिकॉज दिस इज हाउ स्ट्रैटेजी वर्क्स द ब्रांड ऑल्सो हैज टू डिसाइड वट टू डू इफ द प्रोडक्ट इज अ फेलियर ऑफ इट इज़ नॉट गेनिंग ट्रैक्शन इन द मार्ट

के बाद ये स्ट्रेटजी डेवलप की जाती है ये स्ट्रेटजी ब्लाइंड नहीं होती रैंडम नहीं होती ये स्ट्रेटजी एक स्पेसिफिक डेटा को जो है वो एनालाइज करने के बाद डेवलप की जाती है द प्रोडक्ट स्ट्रेटजी इज द बियर बोन प्लानिंग ऑफ द स्टेप्स टू एंश्योर द प्रोडक्ट रीचेज द डिजायर स्पेस सच अ स्ट्रेटजी हेल्प इन सेटिंग द राइट डायरेक्शन फॉर द प्रोडक्ट ओके प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी हेल्प इन डिसाइडिंग द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इट्स मार्केटिंग एट द सेम टाइम इट ऑल्सो हेल्प्स इन टारगेटिंग द प्रोडक्ट टू द राइट सेगमेंट प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग एटस्ट्रा ऑल दिस विल प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी तो जो है वो आप क्या करते हैं कि अपने टारगेटेड सेगमेंट जो है उसको देखते हुए आपने मार्केट में किस तरह की प्रोडक्ट बेचनी है वो चीज देखते हुए आप जो है वो सपोज फिर आपकी प्राइसिंग जो है वो बहुत मैटर करती है सपोज आप किसी स्लम एरिया में जाकर जायली टोल काइंड ऑफ गम्स बेचना शुरू कर दें और उसकी प्राइस हो इतनी ज्यादा कि वहां के लोगों की अर्निंग भी इतनी ना हो सो योर स्ट्रेटजी इज नॉट करेक्ट तो आपने कौन सी प्रोडक्ट किस मार्केट में बेचनी है दिस विल ऑल अबाउट द प्रोडक्ट स्ट्रेटजी प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अ न्यू इनोवेशन टू कंज्यूमर्स फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू टेस्टिंग थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बार ऐसे होता है कि जो है वो पायलट स्केल प्रोडक्शन ऑफ फूड मटेरियल एंड टेस्टिंग इनटू अ पर्टिकुलर एरिया जो है ये भी फॉर एग्जांपल इसमें मार्केटिंग स्ट्रेटजीज भी आ जाती हैं कि आपकी कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट बनाया है ठीक है आपकी ऑलरेडी कुछ प्रोडक्ट चल रही है मार्केट में वो आप उसके साथ जो है वो लगा देते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं ये नेशनल वालों का कैचअप सेल होता है ज़्यादा उसके साथ वो नेशनल वालों के अगर आप दो लार्ज लेंगे एट uh, टाइम्स जो है वो उसके ऊपर से, सेल लगा देते हैं कि नेशनल के दो कैचअप अगर आप लेंगे ना तो उसके साथ आपको एक नेशनल का मिसा, फ्ला मसाला मिक्स मुफ्त मिलेगा फॉर एग्जाम्पल चॉप मसाला जो है मतलब ये चांप चाप तिक्के वाला मसाला बहुत कम बिकता है ठीक है या आपको जो है वो जो सबसे कम प्रॉड जो चीज़ बिक रही है ना वो उसको उसके साथ लगा देते हैं सो so दैट लोगों का टेस्ट डेवलप हो जाए और उसके बाद हम इसकी मैस प्रोडक्शन शुरू कर सकें सो दीज आर एक्चुअली द कॉन्सेप्ट जो कि यूज किए जाते हैं थ्रू एग्जिस्टिंग बिजनेस न्यू ग्रोथ स्ट्रेटजीज़ new product development strategies look at improving existing products to invigorate an existing market or create new products that the market seeks the steps involved in product development are similar in each type of the strategy first improve existing products improving existing product is an efficient method for product development. it's not as expensive as creating a new product because a lot of the time and resources were already devoted to the creating the original product. businesses then take feedback from the consumer and find ways to improve upon products. for um, example, in this Oreo, uh, small orios, bilkul chote, chote orio, packets they are the same, Oreos but they are quite of a uh, smaller size. तो जो है वो कोकोमो ऑलरेडी मार्केट में थे तो क्या किया उन्होंने ओरियो जो है वो लार्ज साइज़ में अच्छे पसंद कर रहे हैं लेकिन छोटे बच्चों के लिए अट्रैक्शन प्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने उनको उन्हों उसको बहुत स्मॉलर मिनी ओरियो जो है उस नाम से और न्यू पैकिंग में उसको तो टेस्ट तो ऑलरेडी डिवेलप था बट टू इम्प्रूव द बिजनेस जो है और कंज्यूमर फीडबैक के बाद उन्होंने एक न्यू प्रोडक्ट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर इम्प्रूवमेंट की द इसमें इसकी एग्जाम्पल हम इसमें भी दे सकते हैं कि द टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इज वेल नोन फॉर दिस द लेटेस्ट वर्जन ऑफ स्मार्टफोन आप देखें आईफोन जो है वो सबसे पहले आई फोन जो फोन फोर फिर सिक्स पहले से मौजूद है उसी की उसी में जो है वो न्यू फीचर्स जो है वो इम्प्रूव इम्प्रूव फीचर्स डाल के उसकी प्राइसिंग बढ़ा देते हैं उसका वर्जन मॉडर्न uh, कर देते हैं तो इससे एक्चुअल आपकी इंडस्ट्री को इतना नुकसान नहीं होता इतना एक्सपेंसिव नहीं चीज आपके पास जो है वो एज अ मैनुफेक्चरर आपका इतनी ज़्यादा इनपुट नहीं लगती लेकिन आपकी अच्छी मार्केट जो है वो रेवेन्यू मार्केट मतलब रेवेन्यू अच्छा जनरेट हो जाता है across all industries have improving existing product is not limited to any one industry exercise equipment rollouts new models new models even pen manufacturers find ways to improve ink flow and reduce smudging making the product better the goal of improving a product is to take an already successful product that consumer love and use and then improve the product to maintain or increase a competitive advantage create new product

नंबर ऑफ़ डिफरेंट काइंड पर्टिकुलरली वो बटर पफ बिस्किट आते थे उसमें वेजिटेबल बटर पफ जो हैं वो जब इंट्रोड्यूस करवाए गए दैट दे, कैरी ह्यूज मार्केट इसके अलावा बहुत सारे कुकीज़ ऐसे हैं जो मार्केट में आए बट कुछ लोगों ने बहुत पसंद किया कुछ लोगों ने बिल्कुल पसंद नहीं दैट्स वाई ये इट्स ऑलवेज रिस्की लेकिन ये है कि चीज़ निकल जाती है

प्लस आपको न्यू इनपुट चाहिए आपको न्यू इक्विपमेंट चाहिए ऑल दैट मे नॉट बी मोर एक्साइटिंग पार्ट ऑफ क्रिएटिंग योर फूड प्रोडक्ट हैविंग अ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट इन प्लेस विद दीज पीपल विल कीप योर आइडिया सेफ अच्छा टाइम ऐसे होता है कि आप जो है वो अपनी किसी फ्रेंड के साथ डिस्कस करते हैं कि हमने जो है वो ऐसे करने का प्लान कर लिया है ठीक है एंड हेल्प नी एंड लेट्स डू इट तो कुछ अरसे बाद पता चलता है कि आप तो भी प्लान ही कर रहे थे एंड दैट पर्सन ऑलरेडी एक्जीक्यूटिड योर आइडिया एंड प्लान एंड डन विद डेट और वो इवन आइडिया इसी लिए तो ये जो आइडियाज़ नोवल आइडिया कॉम्पिटिशन या डाइस हम लोग करवाते हैं uh, हम अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर वो uh, ये जो आइडियाज़ डिवेलप आइडिया आपके जहन में कोई भी न्यू वो हमेशा मार्केट कैप्चर करता है रिमेंबर ये के नॉट कापी राइट अर पेड एंड रेसिपी ओनली मैनुफेक्चरिंग प्रोसेस हाँ जी ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कॉपी राइट या पेटेंट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो होते हैं किसी भी आइडिया के वो आप किसी रेसिपी के नहीं करवा सकते हैं। हाँ जिस इक्विपमेंट में आपने uh, कोई इक्विपमेंट है फॉर एग्जांपल आपने ऐसा um, कोई डाई ऐसी डाई डिज़ाइन की है कि आप इतने uh, ज़्यादा अच्छे तरह का बिस्किट बना रहे हैं या अच्छे um, जो है वो टाइप का नगेट बना रहे हैं तो आप नगेट की रेसिपी को पेटेंट नहीं करा सकते बट आप वो जो इंस्ट्रूमेंट जिससे वो आपने वो डाय जिससे आपने वो प्रोडक्ट की फाइनल टचिंग्स की हैं आप उसको करवा सकते हैं ये कॉपीराइट्स में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको आप नहीं करा सकते चाहे वो आपने जो है वो खुद से इन्वेंट या डिस्कवर की हो जिसमें एक रेसिपीज भी होती हैं सो so, आप सीक्रेट इफ यू मेक हिम हम स्पेशल सीक्रेट इन्ग्रीडियंट यू कैन नॉट इन्श्योर दैट नो वन एल्स विल बी एबल टू रेप्लीकेट योर रेसिपी हैविंग अ लॉय ड्रॉप अल एंड रिड्यूज इज द रिस्क ऑफ एवरी वन शेयर शेयरिंग यूर इंफॉर्मेशन वो अगर वो सीक्रेट इन्ग्रीडियंट भी आप पेटेंट नहीं करवा सकते आप वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो करवा सकते हैं हाँ अगर आप कोई कुक बुक बना लेते हैं एक ऐसी बुक आपने बना ली है आप उसके कॉपी राइट जो हैं वो ले सकते हैं सो ब्रिंगिंग न्यू प्रोडक्ट्स टू मार्केट में जो आइडिया रेप्लिकेशन होती है इसी तरह से कोई भी किसी भी ब्रांड का नेम कोई दूसरी कंपनी यूज़ नहीं कर सकती अगर वो करेगी तो वो आपने देखा होगा अक्सर जो कॉपीज आती हैं फॉर एग्जांपल एक्लेयर की अगर कॉपी आती है तो जो ओरिजिनल एक, एक्लेयर है उसके ई के ऊपर जो है वो फ्रेंच वर्ड है एक छोटा सा पॉजिफी टाइप डैश से लगी होती है लेकिन जो कॉपी आएगी मार्केट में उसके ऊपर ई स्मॉल होगा या स्पेलिंग डिफरेंट होंगे कभी भी सेम स्पेलिंग्स के साथ सेम नेम के साथ फोर्स्ड कॉपी ऑफ एनी प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आ सकती steps uh, in product development में, whether you are improving an existing product or innovating a completely new product, follow a process to ensure you you're creating a product that consumers will buy and use. जो uh, new product है, उसके बारे में आपको कमस कम चाहे आप innovate कर रहे हैं या आप improve कर रहे हैं, consumer खरीदे और इस्तेमाल करे ये कैसे हो सकता है अगर जब आप कंज्यूमर की नीड आइडेंटिफाई करते हैं बाय मार्केट एनालिसिस ठीक है मार्केट एनालिसिस के बिना कोई चारा नहीं है ओके okay, नेक्स्ट है सबसे पहले फिर आपने क्या करना है आपने एक पायलट प्लांट uh, लगाना है उसको छोटे स्केल के ऊपर प्रोडक्ट को सबसे पहले बनाना है सर्वे द मार्केट एंड डेवलप प्रोटोटाइप बेस्ड ऑन द कलेक्टेड डेटा फाइंड आउट वट पीपल लाइक एंड नॉट लाइक अबाउट एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट डिमिन इफ यू एनी पैटर्न एग्जिस्ट फॉर कंज्यूमर ट्रेंडिंग प्रॉब्लम ये जो डेटा आपके पास आता है ये हमेशा कुछ ट्रेंड्स शो करता है आपने उन ट्रेंड्स को देखते हुए प्रोडक्ट का डिसीजन लेना है प्रोडक्ट बनाने का फॉर एग्जांपल वैक्यूम है

कोई ऐसा आपने देखा एक्सट्रूजन का इक्विपमेंट आप बनाया बन, बनाया गया था एक्सट्रूजन के सो so, प्रोटोटाइप जो है एक डेवलप फाइन प्रोटोटाइप यानी अपने आइडिया को जब आप एक रिटर्न डॉक्यूमेंट में ले आते हैं डॉक्यूमेंटेशन में फिर आप उसके ऊपर फाइनेंशियल प्लान जो है उसको स्केल अप करते हैं और अपनी मार्केट को टारगेट करते हैं ओके टेस्ट द प्रोडक्ट इन द मार्केट विथ स्मॉलर रन keenly observe sales and actively seek feedback from real consumers on the real product adjustments might be required before so the organization in the food and beverage industry need to up their game to sustain in this highly competitive industry the marketing strategy will highlight the strengths of both the company and the product

It is essential to create a good brand image and position the brand as to what it stands for in the minds of the customers. Companies should set down their unique selling points to attract more customers, which will help uh, in building a positive brand image. Before planning for brand positioning, the company should be sure of their target audiences. Product packaging consumers always judge the product by their packaging, especially in the food and beverage industry. Product packaging is one of the most crucial marketing strategy. And the last one is making a statement with unique selling point. Unique selling point of the product is what sets the product apart from the others. And this is the most magnificent, significant potential most investors see in a business. For example, the brand and M and M milk chocolates melt in the mouth and not in the hands it builds the brand image of the product in the mind of the customers companies use unique selling points as a marketing strategy to market the product to the customer by focusing on the value that the customer derived from the product thank you very much this was all about today's lecture